गाइस जय गुरु जी, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। सो गाइस आज का व्लॉग हम बहुत लेट स्टार्ट कर रहे हैं, 1 बज गया और अभी तक हमने ना कुछ खाया ना कुछ पिया है, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा लेट हो गए थे कल रात को पार्टी से एंड फिर सुबह लेट उठे, तो बस इसलिए सब कुछ लेट होता गया। और अभी हम लोग, आज का सीन ये है कि कल हमने बर्थडे सेलिब्रेट कर लिया था, तो आज हम शायद कहीं नहीं जाएंगे क्योंकि कल विवान का एग्जाम है और इसके अभी कोई प्रिपरेशन नहीं है। सो देखते हैं, इसकी अगर प्रिपरेशन शाम को जल्दी हो जाती है तो हम देखते हैं कहाँ जाते हैं या नहीं जाते। सेकेंडली प्रिंस जो है वो रेडी हो चुके हैं, प्रिंस ने जाना है किसी काम से तो वो भी रेडी हो चुके हैं, वो भी बस अपना काम निपटाएंगे। अगर वो जल्दी फ्री हो गए तो भी हम, हो सकता है शायद दोपहर को या शाम को जाएं, तो वो भी डिपेंड भी करते हैं आज विवान पे और प्रिंस पे कि क्या होता है क्या नहीं होता। सो आइए मिलवाती हूं मैं आपको प्रिंस से। हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बस उन्होंने लिस्ट दे दी है पूरी करने जा रहे हैं। हाँ, क्या क्या सामान लेना है? सही बात है, गिफ्ट तो बनता है ना, गिफ्ट की लिस्ट दी है। हाँ, वो गिफ्ट भी है उसमें, आपने वही लिस्ट नहीं पढ़ी? ऑलरेडी खरीद लिया मैंने। चलो ठीक है, देखते हैं क्या है। और ये रहा विवान, इसको भी मैं उठा रही हूँ। सो इसको मैं बोल रही हूँ फटाफट से पढ़ लो, अगर फ्री हो जाएंगे टाइम से तो फिर कहीं ना कहीं चलेंगे, बट देखते हैं ये कितनी देर में अपनी स्टडीज कंप्लीट करते हैं। ठीक है विवान? सो गाइस, अब मैं अपने लिए बना रही हूँ चाय, क्योंकि बिना चाय के मेरा दिन शुरू नहीं होता। मतलब लाइक चाहे दोपहर हो चाहे वो शाम हो, मैं जब भी उठूंगी सबसे पहले मुझे चाय चाहिए एट एनी कॉस्ट, क्योंकि मैं चाय के बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकती। सो चाय बन के हो गई है रेडी, आप देख सकते हो चाय बन गई है, क्योंकि मुझे स्ट्रांग चाय बहुत अच्छी लगती है तो ये बहुत स्ट्रांग चाय है। एंड चाय पीने के बाद बस मैं विवान को थोड़ा सा पढ़ाऊंगी तब तक, और थोड़ा बहुत घर का काम जो भी है वो निपटाएंगे और उसके बाद लंच की तैयारी करेंगे। सो देखते हैं लंच में क्या मंगवाते हैं या क्या बनाते हैं, सो देखते हैं। सो गाइस ये देखो विवान की पढ़ाई चल रही है, कभी कभी ये पढ़ता है और ये हंस रहा है, कह रहा है मेरे को ना वीडियो में मत लेना, बट मैंने कहा दिखाए तो सही कि आप कैसे कितना पढ़ रहे हो। तो आपका किस चीज का एग्जाम है बता दो तो सबको। आईटी लाइफ स्किल्स। और कितना हो गया? थोड़ा सा जल्दी जल्दी, बाकी तो आते मैंने टेस्ट लिए थे, थोड़ा सा करना है। ठीक है, फटाफट से पढ़ लो फिर हम चलेंगे, और मुझे फटाफट से सुना दो सारे सैंपल पेपर करो, फिर उसके बाद ही हम कहीं जाएंगे। ठीक है, ठीक। ओके, और ये देखो इसकी ऐसे बुक्स पड़ी हुई जैसे इसने सारी पढ़ाई करनी है, पढ़ना इसमें से कुछ नहीं है, पढ़ने सिर्फ एक चीज है ये कॉपीज से, लेकिन सब कुछ ऐसे रखा हुआ है इसमें। और ये सारी तो बेचनी है मुझे। क्यों बेचनी है? थर्ड क्लास में जाना। अच्छा, इसलिए अभी। वैसे आप जो YouTube में वीडियो देखते हो उसी में से आपने सीखा है ना कि एग्जाम्स हो जाए तो उसके बाद सारी बुक्स बेचनी है ना? हाँ। लेकिन आपका रिजल्ट तो आने दो, पास भी तो हो जाओ तभी तो बेचोगे। मैम ने तो हमें वैसे ही बोला चाहे फेल हो चाहे पास, थोड़े बच्चे तो हमारे फेल हो के रखे, उन्हें भी मैम थर्ड क्लास में भेज रही। ऐसे नहीं होता, अगर आप अच्छे से मेहनत करोगे अच्छे से पढ़ाया करोगे तो ही आप पास हो गए। ठीक है, सो कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज और जल्दी जल्दी से फिनिश करो। ठीक है, ओके, यस, ओके। सो गाइस लंच टाइम हो गया है एंड लंच में विवान का मन था राजमा खाने का, तो मैंने उसको बोला राजमा मत खा, क्योंकि राजमा बनाने के लिए हमें उसको 2 से 3 घंटे पहले उसको भिगोना पड़ता है, उसके बाद उसको बनाना पड़ता है, तो इतना टाइम नहीं था। सो मैंने इसको बोला कि मैं तुझे कल बना दूंगी, बट कहते नहीं मुझे आज ही खाने हैं, आज आपको बर्थडे तो मुझे कुछ स्पेशल खाना है, और विवान को राजमा बहुत ज्यादा पसंद है। सो आई थॉट इसको चलो बाहर से मंगवा के देते राजमा, एंड ये राइस नहीं खाता ज्यादा, प्रेफर नहीं करता, खाता है बट बहुत कम, वेरी रेयर, तो मैंने इसके लिए राजमा ऑर्डर कर दिए थे, राजमा आ चुके हैं एंड साथ में इसके लिए चपाती बना दी है। सो विवान की प्लेट भी मैंने लगा दी, तो दिखाती हूँ विवान की प्लेट। सो ये रही चपाती, ये रही राजमा, एंड विवान अब लंच एंजॉय करेगा, राइट? यस। चलो ठीक है, फटाफट से लंच करो फिर पढ़ाई करेंगे फिर हम चलेंगे कहीं। ठीक है। सो गाइस हो चुकी हूँ रेडी, और विवान मुझे बिल्कुल भी नहीं बैठने दे रहा, कह रहा है आप कहीं चलो कहीं चलो, शाम हो गई मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो ऑल दो इसकी तैयारी नहीं हुई अभी, तो मैंने कहा चलो कहीं ना कहीं चलते हैं। तो फिर इसकी बुआ से इसकी बात हुई, तो वो कह रही यहीं पर आ जाओ हम यहीं पर थोड़ा सा एंजॉय कर लेंगे, तो ये पीछे पड़ गया, क्योंकि वहां पर ना इसके फ्रेंड्स भी हैं, तो मेन बेसिकली इसको ना अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने जाना है, तो ये मुझे बोल रहा है चलो वहीं चलो, तो हम बस मैं और विवान रेडी होकर वहीं जा रहे हैं, और वहां जाके फिर मैं आपको दिखा। सो अब आ गए हैं दीदी के घर, विवान इज ऑल एक्साइटेड, क्योंकि ये अपने फ्रेंड से ऑलरेडी पहले बात करके आ चुका है, और उसको टाइमिंग दे दी उसने कि हाफ एन आवर में ये उसके घर जा रहा है ना, और मैं घर से वाटर बैलून लेके आया था ताकि वाटर बैलून बना। बहुत पिटाई होगी। यहाँ बैठे वंशुल। हेलो गाइस। सो इसके अभी एग्जाम चल रहे हैं, बस ये खाने पीने के बाद अभी पढ़ेगा है ना। हाँ। और मम्मी क्या कर रही है, क्या बना रहे हो? फलियां काट रही हूं। अच्छा, शाम को फलियां की? अच्छा सही है सही है, मुझे तो पहले दूर से लगा था मटर छिल रहे हो आप। अच्छा। हाँ,
और दीदी अभी कुछ गई हैं अपने दूसरे रूम में, गई हैं चेंज करके आ रही हैं दीदी भी, तो फिर आपको उनसे भी मिलवाती हूँ। और ये देखो हम पार्टी का सामान भी लेकर आए हैं, सो अब हम लोग यहीं पे एंजॉय करेंगे। आ गई है, तैयार हो गए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब हम लोग यहीं पे पार्टी करेंगे क्योंकि कल बहुत ज्यादा थक चुके थे, तो आज हाउस पार्टी करेंगे। और फिर दो चार दिन के बाद जब विवान के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, वंशुल के एग्जाम्स खत्म हो जाएंगे, फिर हम जाएंगे बहुत अच्छी सी पार्टी करने के लिए। राइट? yeah. बहुत बहुत मुबारक हो जन्मदिन की। थैंक यू। मैंने मम्मी को रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने कहा आपको रिकॉर्ड नहीं किया तो मम्मी कह रही नहीं रिकॉर्ड मत करना, तो मैंने कहा नहीं हम रिकॉर्ड करेंगे ये चीज, सो इसलिए मैंने मम्मी को मनाया, तो मम्मी कह रही चल फाइनली हम एक बार रिकॉर्ड भी कर लेते हैं। सो थैंक यू। सो गाइस ये देखो, ये है पनीर स्टीम मोमोज। OMG इसका साइज देख लो। और मम्मी कह रही है ये तो मछली है। छपाक है मम्मी, मछली दीदी देख रहे हो उसका साइज मोमोज के। और साथ में ये आए पनीर कुरकुरे मोमोज। अभी तो ये हाफ प्लेट है, ये हाफ भी नहीं है, हाफ में 5 होते हैं। इसने बहुत सारी क्वांटिटी दे दी साथ में। हाँ साथ में जो ये है हमने मंगाया चिली गार्लिक नूडल्स, ठीक है ये भी हम नहीं खोल रहे क्योंकि ठंडे हो जाएंगे। और विवान के लिए आया है सांबर वड़ा, इसको बहुत अच्छा लगता है। सो वी प्रेफर, अगर हमें मोमोज वगैरह कुछ खाने हो ना तो वी रियली प्रेफर दिस स्ट्रीट फूड, क्योंकि हमें यही ज्यादा अच्छा लगता है और इसी में ही ना टेस्ट आता है ना, इसी में ही टेस्ट आता है। मेरे को अच्छा लगता है मोमोज। और लेकिन इसको साइज देखो तो लग रही ना हम एक भी खा पाएंगे। केक हमने ये रहा जो हमारा मनपसंद केक था, और इस केक के पीछे का राज ये है, ये वो वाला केक है जो हमने रात को मैंने और गुड्डू ने काटा था, क्योंकि यहाँ पर कोई भी केक नहीं खाता, तो मम्मी ने कहा कि वही वाला केक ले आना अगर रखा हुआ है तो, क्योंकि हम लोग केक बिल्कुल भी नहीं प्रेफर करते, सिर्फ विवान और वंशुल खाते, तो आई थिंक उनके लिए ये इनफ है। और गाइस ये मम्मी को चॉकलेट वाले केक पसंद नहीं है, मम्मी को डार्क चॉकलेट अच्छी लगती है, तो ये केक डार्क चॉकलेट है। राइट ये एक है मोमोज, ये एक है। गाइस मैं बताती हुआ क्या, ये ना मम्मी ना अभी बड़ी सीरियस होके बोलती हैं ये मोमोज ना ये डेढ़ मोमोज पड़े थे, तो मम्मी कहती है ये एक है, इतने सीरियस हो गए, तो हमने कहा ये एक है, ये डेढ़ है, ये इनको चश्मा बनवाना है लेकिन पहनना नहीं है, है मम्मी मम्मी ये एक है, ये डेढ़ है, ये डेढ़ है, ये एक नहीं है। बस अब इस बात पे हम आधा घंटा हंसते रहेंगे बस, है ना। सो इट्स डिनर टाइम। मम्मी ने बनाए हैं कढ़ी चावल, और जो राइस बनाया है मम्मी ने पुलाव टाइप बनाया है, साथ में ये बनी है कढ़ी विच इज वेरी यम्मी, एंड विवान के लिए बन रही है साथ में चपाती। और विवान जैसे कि मैंने बताया था दोपहर को कि वो राइस बहुत कम खाता है, तो वो कढ़ी के साथ चपाती खाएगा, हम लोग खाएंगे कढ़ी राइस। राइस भी खाऊंगा। राइस खाओगे? सो ये बहुत कम खाता है, तो इसके मूड पर डिपेंड होता है कि खाएगा या नहीं खाएगा, थोड़े से राइस खाएगा थोड़ी सी चपाती खाएगा, और फटाफट से डिनर करेंगे फिर चलेंगे अपने घर, क्योंकि कल विवान को सुबह स्कूल जाना है, उसका कल एग्जाम है, लास्ट एग्जाम। सो आई एम वेरी हैप्पी कि उसका लास्ट एग्जाम है। सो गाइस वी आर गोइंग बैक टू होम, और विवान को देखो ये मम्मी के पैर कैसे छूता है, बिल्कुल ही लेट जाता है, ये देखो बिल्कुल लेट के ऐसे गिर पड़ा है मम्मी के पैरों में। चलो विवान वी आर गेटिंग लेट, ये देखो मम्मी आपको पटा रहा है किसी चीज के लिए, मैं कह रही हूँ चलो देख लग जाएगी, चलो देने कल ना आज मुझे परिंगर लेके देने क्योंकि कल मेरी पार्टी है। ओके ओके चलो जी बाय बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल, बाय, थैंक यू दीदी। ये देखो ये फिर लेडी आए, हाय मम्मी, चलो बाय 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 बाय। सो गाइस हम लोग घर आ गए थे टाइम से, विमान को मैंने सुला दिया है क्योंकि विमान का कल एग्जाम है, उसकी सारे प्रिपरेशन हो गई थी, अब वो सो रहा है आराम से। एंड प्रिंस भी घर पे आ चुके हैं, प्रिंस बस डिनर कर रहे हैं, डिनर करके बस हम लोग भी सोएंगे। और दिखाती हूँ विमान कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, लुक एट दिस, ये देखो ये सो गया है एंड प्रिंस इज हैविंग हिज डिनर। सही बना है, मम्मी ने बनाया है कढ़ी चावल, कढ़ी चावल वाले शेयर एंड लाइक करो। हाँ कढ़ी चावल वाले शेयर एंड लाइक करो। राइट ब्लॉग को बस अब मैं अब यही एंड करूंगी, मिलूंगी आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जाओ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, एंड शो योर लव एंड सपोर्ट। सो थैंक यू सो मच गाइस, गुड नाइट, जय गुरुजी।